वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। केसरी निशान नाल जुड़े हुए सारे दर्शकों का निघा स्वागत है। अकाल पुरख अगे आप सब की चढ़ती कला की शुभकामना के नाल इस प्रोग्राम का आगाज करते हाँ। पंजाब 2022 दीआं चोणां दी तैयारी विच लग गया है। सियासी माहौल गर्म हो चुकिया है। अंदर खाते पकदे वड़ियां दी मुश्क भी आउण लगी है। नवे समीकरण बनने विगड़ने शुरू हो गए हैं, पर किस दे वड़े किन्ने स्वादले होणगे ये हले दूर दी कौड़ी है। हले तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बहुत सारिया सिलवटां दा सपाट होण दा इंतजार है अजे। फिर भी असी कोशिश कीती है मौजूदा हालातों विच पंजाब विच सियासी पार्टियां दी पोजीशन नूं समझण दी। अज की तरीक तक कित्थे खड़िया हैं ये पार्टियां, किन्ना दम खम है इन्हां विच, किस दे हौसले चुस्त हैं, किस दे पस्त, किहड़े फैक्टर हैं, मुद्दे हैं जो इन्हां चोणां नूं प्रभावित करनगे, कौन जितेगा, कौन हारेगा, किस दी होवेगी ताजपोशी। इन्हां ही सवालों का जवाब लैके पेश है सीरीज़ की यह पहली कड़ी। सब तो पहला असी एक एक करके सियासी पार्टियां की पोजिशन नूं वाचदे हाँ। शुरुआत कांग्रेस तो ही करते हाँ, जो बीते लगभग 5 साल तो सत्ता ते काबज़ है। पंजाब विच कांग्रेस के भविख बारे क्यास लाने जिन्हां नुकतों आधार बनाया है वो इस तरह हैं। बीते 5 साल की कांग्रेस सरकार की कारगुजारी, बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली, उन्हां दा मौजूदा अक्स, खुद कांग्रेस पार्टी के संगठन अंदरले हालात, नवजोत सिंह सिद्धू फैक्टर, किसान अंदोलन अते होर अहम मुद्दों का असर। जिथों तक बीते 5 साल की कारगुजारी का सवाल है, तो 2017 दीआं चोणां विच लोकां ने प्रकाश सिंह बादल के मुकाबले कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंथ अते पंजाब का माड़ा मोटा खैर ख्वाह समझ के वोटां पाईआं सन। उन्हां नूं उम्मीद सी कि दिल्ली दे केजरीवाल की आप पार्टी की बजाय कैप्टन सिख भावनावां नाल जुड़े हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मसले में इंसाफ दवा सकेगा, दोषियों को सज़ा दवाएगा, पंजाब को नशियों तो मुक्त करा देवेगा, भ्रष्टाचार तो भी बहुत हद तक राहत मिल सकेगी। आ है गुटका साहब और वो इतो 30 किलोमीटर दूर दमदमा साहब। मैं ये दमदमा साहब वाल गुटका साहब नु चक के सौ खाने आज कि पहली गल ये जो नशियां दा काम है जो आम आदमी कहने 4 महीने आज मैं खत्म कर दूं, मैं ये 4 हफ्तों के बीच अपने लक तोड़ के छोडूंगा। जो भ्रष्टाचार है इस देश के बीच, बच्चा कोई पटवारखाना थाना कोई तहसील के बीच नहीं जा सकता, वो भ्रष्टाचार मैं खत्म करके छोडूं, ये मेरा वर है। हर पिंड के बीच साडे बच्चे बैठे ने जिन्हां नूं नौकरियां नहीं है, कोई पढ़े लिखे ने, कोई कुछ पढ़े ने, कोई बड़े पढ़े ने, ये मेरे है कि पहला मैं पूरा जोर ला दूंगा उन्हां नूं नौकरियां दवाउण दा। और मैं 10वें पातशाह दी चरणा दी सौ खाना है कि इहनूं खट कर छड के वादे प्यार वफा। अज दी तरीक तक लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्हां तिन्हां ही मुद्दियां ते बुरी तरह फेल रहे, बल्कि लोकां नूं धोखा देंदे नजर आए। बादल परिवार नाल परिवारक पुष्ट पनाही करते हुए दिसे। बेदबी कांड ते कदे कमीशन बना लिया, कदे CBI नूं केस दे दिता ते कदे वापस ले लिया। विशेष जांच कमेटी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट ते सिट बना के समा टपाया, ना दोषी कटघरे विच खड़े किते, ना ही किसी नूं सज़ा मिली। लोकां दा भरम टुट चुकिया है। उन्हां नूं समझ आ गई कि बादल अते कैप्टन दोवें ही इक्को सिक्के दे दो पहलू हन, कुर्सी लई वारी वट्टा बनाए रखण लई लोकां नूं बुद्धू बनाउंदे हन। इसे तरह ना नशा बंद होया, ना ही भ्रष्टाचार खत्म, उल्टा राजकाज अफसरशाही चला रही है। पुलिस मनमर्जियां कर रही है। MLAs दे नालायक अते विगड़े हुए मुंडियां नूं नौकरियां रेवड़ियां वांगू वंडियां गईयां। सफाई कर्मचारी तो लैके अध्यापक वर्ग तक नित मोती महल वल नूं जांदे अते पुलिस दीआं डांगां खांदे नज़र आंदे हन। इस तरह 2017 विच बादल साहब जिथे खड़े सन, अज उत्थे ही कैप्टन साहब खड़े हन। लोकां दी निगाह विच कैप्टन दी जो छवि एक धड़ल्लेदार मजबूत लीडर वाली 2017 विच सी, अज ओह नहीं है। उही मुद्दे, उही मसले,
होर भी बेविसाही बेउम्मीदी नाल संताप बन के खड़े हुए हैं। बाकी कारगुजारी विच भी यही प्रभाव देखने को मिलिया। वह ममता बैनर्जी वांगू केंद्र सरकार का सिर चुक के टाकरा लेंदे हुए नहीं दिसे, बल्कि खामोश रह के समा कटण की मुजरमाना भाईवाली निभाते रहे। वो अपने पुत्र रमिंदर सिंह के फाइनैंशियल फ्राडा की सज़ा के सहम विच केंद्र दियां सूबा विरोधी नीतियां का खुल के विरोध भी नहीं कर सके, मोदी जी के अपने बंदे बन के ही रहे। इसे लिए केंद्र की किसान विरोधी नीतियां के अगे भी निखर के फैसले नहीं ले सके। दिल्ली की चापलूसी वाली दगाबाजी करके भी अपने कुटन तो नहीं टले कैप्टन साहब। पंजाब विच उही हैंकड़ रखी, उही राजे वाली हौमें अते आकड़, जमहूरीयत दा तां नामो निशान ही नहीं रहन दिता। इन्हां मुद्दियां दे नाल ही ऐतकी किसान अंदोलन भी कांग्रेस ते ग्रहण लावेगा। लोगों के दबाव विच आके भले ही कैप्टन सरकार ने कुछ कदम तिन्ने खेती कानूनों के खिलाफ उठाए, लेकिन वह लोगों नूं संतुष्ट नहीं कर सके। उस विच उह शिद्दत नहीं सी जो लोग पंजाब सरकार तो उम्मीद कर रहे सन। नवजोत सिंह सिद्धू अते कैप्टन दी काटो कलेश भी कांग्रेस दे चोण नतीजियां नूं प्रभावित करेगी। खुद सिद्धू दा ऊट किस करवट बैठेगा हालांकि हले ये स्पष्ट नहीं, लेकिन हर हाल विच ये खुद सिद्धू दे भविख दे नाल नाल कांग्रेस दे भविख ते भी असर करेगा। इस तों अलावा पार्टी दे अंदर चल रही कशमकश भी पार्टी दी परफॉर्मेंस नूं प्रभावित करेगी। कैप्टन दी कार्यशैली दे खिलाफ उसकी पार्टी दे विच उसे दी सरकार दे विच विरोधी सुर उठे। लामबंदी खुल के सामने आई, सिद्धू नूं लैके जिस तरह दिल्ली दे गेड़े मारे गए, खुद कांग्रेस हाईकमान जिस तरह किसी निर्णायक फैसले ते पहुँचण ते असमर्थ रहा, इसने ना सिर्फ लीरो लीर हो चुकी पंजाब कांग्रेस का चेहरा उजागर किया, बल्कि बेहद कमज़ोर बेअसर हो चुके कांग्रेस हाईकमान की असलीयत नूं भी बेनकाब करके रख दिता। अजिहे हालातों विच अजिहा बिल्कुल नहीं लगता कि कैप्टन सरकार दोबारा सरकार बना पाएगी। हाँ, जे सिद्धू किसी अहम भूमिका विच आउंदे हन तां नतीजे बदल सकते हैं, पर वह किन्ने बदलणगे ये मुनस्सर करता है बाकी पार्टियां दी पोजीशन ते, श्रोमणी अकाली दल बादल, बीजेपी अते आप दे हालातों ते। कित्थे खड़ियां हन ये पार्टियां, किन्ना दम खम है इन्हां विच, इह जाणांगे अगली वीडियो विच कुछ होर अहम खुलासियां दे नाल। उम्मीद है तुहानू इह वीडियो पसंद आई होएगी। बेनती है सबसक्राइब कर दिओ, नाल ही लाइक अते शेयर करना भी ना भुलना। धन्नवाद। पाओ सांझ गुरु की फतेह दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सच सुनाई सी सच की।